जनपद मैनपुरी के बिछुआ थाना क्षेत्र के जीटी रोड का मामला है। यहाँ तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना के अनुसार यात्रियों से भरी हुई एक प्राइवेट बस बुलंदशहर से लौटकर रायबरेली जा रही थी। जैसे ही वो मैनपुरी के बिछुआ थाना क्षेत्र के NH91 पर पहुंची, एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने सामने से उसमें टक्कर मार दी। हादसे में करीब एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां दो लोगों की हालत नाजुक होने के चलते उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शहर इसमें से होकर आ रहे हैं, हम लोग की वापसी हो रही थी। हम लोग जो है जिला रायबरेली सलोन तहसील के रहने वाले हैं। तो क्या ये एक्सीडेंट जो हुआ है, किस तरह से हुआ, ये क्या मामला है? ये जो है हम लोग अपनी साइड से आ रहे थे अपनी बस लेकर, ये जो ट्रक है वो जो है वो बहक गया अपनी लाइन से और जो है ओवरटेक कर रहा था। ये नशे की हालत में था, यहाँ पे लाकर मुझे भेज दिया। जबरदस्ती गई हमारी साइड, जो हमारी बस जो हमारी साइड में थी, इसने देखी उल्टे साइड से लाके मार दिया। हमारे साथी जो है काफी चोटिल हो गए हैं। कितने लोग मतलब चोटिल हो गए हैं? 8-10 साथी हमारे चोटिल हो गए। अच्छा, जानहानी? ड्राइवर नहीं, जानहानी नहीं हुई, मगर हमारे साथी चोटिल हो गए। ड्राइवर को भी चोट आ गई, एक दो लोगों कमर पे, पैर पे, दो लोग सीरियस भी, उनके नाक पे और जो है सीने पे चोट आई। अच्छा जी, ये बस जो है ना आप बिल्कुल साइड से ला रहे थे, क्या गलती रही? ये साहब जो है बिल्कुल से आया और गाड़ी बिल्कुल हमारी स्लो थी। इसने जो है दहने आके बिल्कुल, हमने बहुत बचाया गाड़ी, इसने जो है दहने आके बिल्कुल तड़ाम से मार दिया। इसकी गाड़ी बहुत स्पीड में थी। कितने लोग घायल हैं आपकी बस में? हमारी बस में करीब 15 लोग घायल हैं। आपकी जो चुटेल हो गए हैं, ड्राइवर कहाँ है? उसको निकाली नहीं अभी, हमारे साथ ही वो भी घायल है। मैनपुरी से अपने सहयोगी संजय शर्मा के साथ हरिकिशोर साह की रिपोर्ट, RSony News दिल्ली।